हेलो दोस्तों, मैं हूं अवेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपको सिर्फ 3 मिनट के अंदर महाराष्ट्रियन मटन बिरयानी की रेसिपी बताएंगे। सबसे पहले मटन को दही में मुरने देंगे अच्छे से। आप वीडियो में सब कुछ देख रहे हैं, मसाले जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, पुदीना, समार, अदरक, लहसुन, गोश्त दही में भिगा हुआ, और अभी हम अदरक लहसुन के मसाले को मिक्सर में पीसेंगे। और इसके बाद में हम जो मटन था उसके अंदर हमने प्याज डाली, और उसके बाद में जो मिक्सर में हमने मसाला किया है वो हमने इसमें डाला है, और साथ ही हमने मिर्ची इसके अंदर डाल दी है, उसके बाद पुदीना और समार। ये हम पूरी अखनी बना रहे हैं बिरयानी की। अच्छे तरीके से हम इसको अब पूरा मसाले को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी अखनी रेडी हो चुकी है, कच्ची अखनी। कच्ची अखनी को 1 घंटा मुड़ने देंगे जिससे वो पूरा अच्छी तरीके से मसाला मिल जाए उसमें और गोश्त भी हल्का सा गल जाए। उसके बाद हम कुकर के अंदर में तेल को डालेंगे, और गर्म होने के बाद में प्याज को उसमें डालकर ब्राउन होने देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसको अच्छे से हलाते रहे, फिर उसके बाद में हमारी कच्ची अखनी को जो 1 घंटे से मुड़ रही थी उसको हम कुकर के अंदर डालेंगे और 20 मिनट तक इसको पकने देंगे अच्छे से। तो हमारी अखनी रेडी हो जाएगी। और साथ साथ आप बासमती राइस, सबसे अच्छे राइस होते हैं बिरयानी के लिए बासमती, उसको आप दूसरे पॉट के अंदर में पहले पानी को उबाल कर उस राइस को डालेंगे, और उसको राइस को अच्छी तरीके से उबाल देंगे। बिरयानी में जहाँ तक हो सके बासमती राइस का यूज़ करें, उससे बहुत खूबसूरत लगती है बिरयानी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस राइस की जो लेंथ होती है काफ़ी लंबी होती है, और दाना दाना आपको एक समान लगता है बिरयानी बनने के बाद में। और हमारी अभी ये राइस उबल कर तैयार है, हम इसको हम हमारी अखनी के अंदर डालेंगे। अखनी के ऊपर हम इसको फैला रहे हैं अच्छी तरीके से, हम इसको पूरा फैला देंगे अखनी के ऊपर में इन राइस को। राइस को अच्छी तरीके से अखनी के ऊपर में फैलाने के बाद हम कुकर का कैप लगा देंगे, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको धीमी आँच में बिरयानी को होने देंगे, और हमारी बिरयानी बनकर रेडी है 20 मिनट बाद। अब हम इसके पॉट को निकालेंगे, और आपको हम प्लेट में निकाल कर दिखाएंगे कि बिरयानी कैसी बनी है। वाह, इस भाप जब निकलती है इस बिरयानी के अंदर से तो उसका ही मेन मज़ा होता है, और ये मटन और ये मसाला अखनी का, वाह मज़ा आ गया बिरयानी में खाने के बाद। आपके घर में अभी ईद के बाद में मटन आया होगा तो उससे आप ये बिरयानी बना सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर बताना।